Hello students, this is lecture number 2 of hydrocarbons chapter, and today we will discuss the first group or the first class of hydrocarbons, and that is alkanes. अब alkanes के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो alkanes को हम बोलते हैं saturated hydrocarbon. और saturated hydrocarbon की meaning क्या है? Saturated hydrocarbon का मतलब है कि carbon की जो tetravalency है वो सारी की सारी single bond से satisfy हुई होगी. It means structure में, alkanes के structure में कोई भी double bond या triple bond या unsaturation present नहीं होगा. तो alkanes saturated hydrocarbons होते हैं. alkanes के हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2. अब यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 × 1, यानी कि 2 + 2 = 4. तो जो सबसे पहला मेंबर आता है एल्केन होमोलोगस सीरीज का, उसका फॉर्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन और चार हाइड्रोजन आ रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं मीथेन. जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है या फिर सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चार सिग्मा बॉन्ड्स या चार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएंगी. तो पहला पॉइंट हो गया कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. दूसरा इसका आ गया जनरल फॉर्मूला. अब इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल अगर है और मीथेन के मॉलिक्यूल में अगर हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि चार हमारे पास इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगी या सिंगल बॉन्ड्स होंगी. तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आ जाएगा sp3. तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा इसमें. तो एल्केन्स जहां जहां पे भी आपको देखने को मिले वहां पे जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहता है. एल्केन्स को उनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से हम पैराफिन्स भी कहते हैं. पैराफिन्स में जो पैरा है उसका मतलब होता है लिटिल. लैटिन लैंग्वेज से आया है पैरम, लिटिल, और एफिनिटी. तो लिटिल एफिनिटी है या फिर लिटिल रिएक्टिविटी या लो रिएक्टिविटी है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ के कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है सिंगल बॉन्ड से, तो जो कार्बन या ये कहें कि जो एल्केन्स हैं वो सारे के सारे लो रिएक्टिविटी के मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे. तो जब स्पेसिफिक रिएक्शंस की हम बात करते हैं आगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो एल्केन्स जो हैं वो मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं, क्योंकि इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है. ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्केन्स की एडिशन रिएक्शंस नहीं आती हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी. अब जो हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन कहा था कि sp3 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन है तो sp3 हाइब्रिडाइज के केस में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा या ज्योमेट्री जो आएगी वो होगी टेट्राहेड्रल. तो जो एल्केन्स हैं उनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है. और साथ ही साथ जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल जो एल्केन्स में आता है वो होता है 109 degrees and 28 minutes. ये बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलेगा, राइट? जिसको हम अगर बोलना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 109.5 degrees, ये बॉन्ड एंगल हमारा प्रेजेंट होता है. बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी की अगर इसमें बात करें तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी इसमें आती है, बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं तो वो है 83 kcal/mol. के कैल और पर मोल, ये कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम मीथेन की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं टेट्राहेड्रल के लिए कि एक हम ट्रायंगल बनाते हैं बड़ा कुछ इस तरह से, और बेस पे हम बनाते हैं एक छोटा ट्रायंगल, राइट? और ये कार्बन यहाँ सेंटर पे रहता है तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन आ रहा है, कुछ ये स्ट्रक्चर रहता है. तो कार्बन यहाँ सेंटर पर आएगा और ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, चार हाइड्रोजन एटम मीथेन के, वो यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये राइट? तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होती है. और अभी हम जो बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे वो बॉन्ड एंगल ये हो गया 109 degrees and 28 minutes, ये बॉन्ड एंगल आता है. अब इसका अगर हम वेज एंड डैश स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा. मीथेन का कार्बन यहाँ सेंटर में आ गया, एक हाइड्रोजन हमने ये ऐसे लगाई ये सिंगल लाइन से, और एक हाइड्रोजन के लिए हमने ये वेज स्ट्रक्चर बनाया और दो हाइड्रोजन को हम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं. ये कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है वेज एंड डैश स्ट्रक्चर. ये 3D स्ट्रक्चर है वेज एंड डैश.
और डैश का भी डी कैपिटल होना चाहिए, ये कैपिटल डी से लिखा जाएगा, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। अब इसमें जो ये वेज है ये, और ये डैश कहलाता है, ये डॉटेड लाइन जो आ रही है, तो जो वेज है जो थिक और डार्क लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है कि ये वाली जो बॉन्ड है ये किधर होगी, ये प्रोजेक्ट कर रही होगी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो नॉर्मल लाइन है, ये जो हमने ये वाली लाइन बनाई है, दिस लाइन नॉर्मल लाइन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की लाइन, इसको हम बोलते हैं दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। और जो दो डॉटेड लाइन हमने बनाई है, ये जो होंगी दोनों होंगी बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर आता है, 3D स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। एक सिंपल सा और स्ट्रक्चर होता है जो 2D स्ट्रक्चर जिसे आप कह सकते हैं, या ग्राफिकल फॉर्मूला कह सकते हैं, या फिर फिशर एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। वो कुछ इस तरह से बनता है, ये आ गया लाइक, और ये हाइड्रोजन आ जाएंगे चार। सबसे सिंपल तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है मीथेन के लिए, ये कहलाता है फिशर एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो मीथेन का ये तीन तरह से रिप्रेजेंटेशन आ गया हमारे पास। ये जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, रेगुलर ज्योमेट्री आएगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। दिस इज वेज एंड डैश स्ट्रक्चर एंड दिस इज फिशर एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो तीन तरीके से हमने मीथेन को रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर हम एल्केन के सोर्सेस की बात करें, या नेचुरल सोर्सेस ऑफ एल्केन्स की बात करें, सोर्सेस ऑफ एल्केन, तो दो जो नेचुरल सोर्सेस हमारे पास आते हैं वो हैं, नंबर वन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में हमें बहुत सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, और जो ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे ये अप टू 40 कार्बन आटम्स भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। और दूसरा जो नेचुरल सोर्स है वो है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। तो जो दो मेन सोर्सेज हैं एल्केन्स के वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेनली लोअर एल्केन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, 80% मीथेन, 10% ईथेन, और बाकी का अगर 10% हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ हायर मेंबर्स होता है। तो मीथेन प्रेजेंट है 80% तक, इसलिए हम कहते हैं इसमें मेनली हमारे लोअर एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो नेचुरल सोर्सेज हमारे पास हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हमारे पास आती है मेन हेडिंग एल्केन्स की, और वो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम किस तरह से एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहले तो हो गए हमारे पास नेचुरल सोर्सेस, कि हमें इनसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे एल्केन्स, लेकिन अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं एल्केन्स को प्रिपेयर करने के, जिसमें सबसे पहला जो मेथड हमारे पास आता है वो है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं हमारे, एल्कीन्स और एल्काइन्स। अब एल्कीन्स, एल्काइन्स और एल्केन्स में सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का ही डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन एटम्स कम होते चले जाते हैं एल्कीन और एल्काइन में। तो अगर एल्कीन या फिर एल्काइन्स में हम हाइड्रोजन ऐड करते चलें तो हमें एल्केन्स मिल जाएंगे, और इसी मेथड को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और हाइड्रोजन को ऐड करने से हम उनको एल्केन्स में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत ही कॉमन मेथड है ये एल्केन बनाने का, और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ नेम रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। नेम रिएक्शंस मतलब वो सारी केमिकल रिएक्शन जिनके साथ किसी ना किसी साइंटिस्ट का नाम जुड़ा होता है, और हम स्पेसिफिकली उन रिएक्शंस को बोलते हैं नेम रिएक्शन, और हम उनको आइडेंटिफाई भी उन्हीं नाम से ही करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे पहली हमारे पास नेम रिएक्शन आ रही है वो है सैबेटियर, SABATIER, Sabatier, and Sendrin's reaction.
अब ये सैबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन है क्या? सिंपल यही रिएक्शन है कि अगर हम एक एल्कीन या एल्काइन ले लें और उसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एल्केन्स को हम ऑप्टेन करें तो वो ये रिएक्शन कहलाती है। यानी अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास अगर एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हम यहाँ पे निकिल अगर यूज कर रहे हैं या प्लैटिनम यूज कर रहे हैं एंड वी विल गेट एल्केन्स। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन आपकी आ गई ये, और इससे हम क्या बना रहे हैं? एल्केन्स। अब हम इस जनरलाइज रिएक्शन के लिए अगर यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल के साथ लिख लें, तो सपोज अगर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा? ईथीन। अब ईथीन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, अगर हम निकिल कैटलिस्ट लेके चल रहे हैं तो हमें टेम्परेचर थोड़ा हाई रखना पड़ता है, अदरवाइज प्लैटिनम या फिर पैलेडियम के साथ जो रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। लेकिन अगर हम निकिल लेके चल रहे हैं तो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 523 केल्विन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगी, ये पूरा प्रोसेस होगा क्या कि बेसिकली निकिल की प्रेजेंस में जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और कार्बन की जब एक वैलेंसी फ्री होगी तो एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे कार्बन के साथ ऐड होगा एंड वी विल गेट CH3, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बचेगा CH3। यानी हमने क्या किया, ईथीन को किस में कन्वर्ट कर लिया? ईथेन में कन्वर्ट कर लिया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय विच मेथड? तो द नेम ऑफ द मेथड इज हाइड्रोजिनेशन। और यही अगर हमारे पास यहाँ पे एल्काइन होते, इथीन की जगह पे अगर हमारे पास इथाइन होता तो इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH आता, राइट? इसको हम बोलते हैं दो कार्बन आ रहे हैं तो रूट वर्ड है एथ और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन, राइट? क्योंकि हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाई है स्ट्रक्चर में, तो दिस इज इथाइन। अब इसमें हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा एंड वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमें इथीन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये जो रिएक्शन है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, अगर हम निकिल ले रहे हैं तो टेम्परेचर हमें रखना है 523 केल्विन। अब फर्दर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अगेन निकिल 523 केल्विन, तो वी विल गेट इथेन। अगर हमें रिएक्शन को इथीन के स्टेज पे रोकना होता, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की बात कर रहे होते और रिएक्शन हमें यहाँ पे स्टॉप करनी होती, इथीन की स्टेज पे स्टॉप करनी होती, तो हम फिर पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराते। लेकिन अभी हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थी हमने दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लिया और फिर सिंगल बॉन्ड आ गई है और इथेन बन गया। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन बनाने का बाई हाइड्रोजनेशन या थ्रू हाइड्रोजनेशन मेथड। सम मोर मेथड्स टू प्रिपेयर एल्केन्स आर लेफ्ट एंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।